हाय एवरीवन, स्नेला प्राउड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इस टाइम दरवाजे के पास बैठी हूँ क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है, रूम बिल्कुल डार्क सा है, तो मैं दरवाजे के साथ बैठी हूँ इस टाइम। और फ्रेंड्स, सुबह बारिश हुई थी तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। और बातचीत का जो मुख्य वजह है वो ये है कि मेरा जो चैनल है वो काफ़ी अरसे के बाद मोनेटाइज हुआ है। और फ्रेंड्स, ये सब आप सभी के सपोर्ट के कारण हुआ है, और आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि कल ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और जब मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में उस टाइम ऐड लगी थी, जो मेरी नाटी वाली वीडियो है, तो उसमें ऐड लगी थी। जो जैसे ही मैंने अपना चैनल खोला तो मैंने देखा, मैंने वो वॉलपेपर पर, टाइमलाइन पर वो वीडियो आया, तो टाइमलाइन पे वो वीडियो डिस्प्ले हुआ। मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो देखा कि लक्स की ऐड चली है वहाँ पे, करीना कपूर और सैफ अली खान उस ऐड में है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ देखो, मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो में सैफ अली खान और करीना कपूर की ऐड रन कर रही है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, बोलते कि फिर उन्होंने मुबारकबाद दिया। और फ्रेंड्स, तो जो मेरा चैनल है वो थोड़ा पहले मोनेटाइज होना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो भी पिछले सितंबर में ही 1000 पूरे हो चुके थे। जो वॉच टाइम है, थोड़ा सा वॉच टाइम की वजह से जो मेरा ये चैनल मोनेटाइजेशन का है, ये थोड़ा सा डिले हुआ। वो इसलिए कि पिछले साल जब सितंबर महीना था तो उस टाइम तो मैं रेगुलर तो नहीं, मतलब तीसरे या चौथे दिन रोज़ वीडियो डालती थी, तो इसमें चैनल काफ़ी ग्रो कर चुका था। और तो सितंबर में जो हमारे ताई सास जी थे तो उनकी डेथ हुई, तो तकरीबन एक महीना या 25 दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, और जिसके कारण मेरा वॉच टाइम वहीं का वहीं रह गया और मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं बढ़े। और फ्रेंड, जो मेरे व्यूवर्स थे वो भी कहीं चले गए। तो क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर रेगुलर वीडियो नहीं डालते हो तो क्या होता है कि जो व्यूवर्स होते हैं वो इधर उधर दूसरे के चैनल में चले जाते हैं, तो व्यूज़ कम आते हैं। और फिर जब अक्टूबर में मेरा चैनल फिर से ग्रो करने लगा था, तो मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन वीडियो डालने लगी, तो चैनल ग्रो करने लगा, वॉच टाइम भी बढ़ने लगा। तो फिर क्या होता है कि जो करवा चौथ की वीडियो आपने देखी होगी, तो उस टाइम मुझे कोविड-19 अटैक कर गया था, और फिर एक महीने तक मेरी कोई वीडियो नहीं आई नवंबर में। तो नवंबर दिसंबर में मैंने फिर से वो जो वीडियो है वो अपलोड करना शुरू कर दिया, तो नवंबर के भी जो मेरे व्यूवर्स थे वो घट गए, मेरे व्यूवर्स नवंबर वाले भी, वो भी वो कहीं और चले गए। तो दिसंबर से मैंने दूसरे, तीसरे या पांचवें दिन वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, तो अब भी जाके मई में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और जो 4000 घंटे हैं वो बड़ी मुश्किल से मैंने पूरे कर दिए। और वैसे जो मेरी वीडियो है वो हार्डली 150 ही है मेरे चैनल में वीडियो, लेकिन अब मैं देखूंगी कि मैं रेगुलर बनाने की कोशिश करूंगी। पीछे जो भी हुआ वो हो गया, बीमारी लगी, जो कुछ भी ऑब्स्टेकल थी वो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, तो इस मोनेटाइजेशन का श्रेय मैं आपको भी देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, वो चाहे मेरे फैमिली वाले हो, मेरे रिलेटिव हो, मेरे फेसबुक फ्रेंड हो, या आप YouTube की फैमिली हो, तो आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और फ्रेंड्स, आपका प्यार मुझे आगे भी चाहिए, तो आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार देते रहे। और मैं फिर क्या होता है कि अगर प्यार मिलता रहे हैं तो एक उत्साह आता है मन में कि हाँ, हम और अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छी वीडियो बनाएं। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दें। मेरी बिंदी छूट गई है, तो आगे भी यही कोशिश करती रहूँगी कि
अच्छे से अच्छे वीडियो दूँ, मतलब कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मतलब दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों का भी थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या था कि मैंने जब मन पिछले लॉकडाउन में घर में बैठी होती थी तो अकेले मन नहीं लगता था, तो मैं क्या करती थी कि 20 या 30 या 40 सेकंड की मोटिवेशनल वीडियो बनाती थी और वो अपलोड करती थी यूट्यूब पे ऐसे ही। तो उसके बाद जब लॉकडाउन पूरी तरह से अप्रैल मई में शुरू हुआ, फिर सेकंड लॉकडाउन लगा तो हम गांव आ गए, तो गांव में हम फिर खेत में गए, तो वहां पे मैंने आसपास का व्यू देखा, बहुत अच्छा लगा, मुराल रेंज का बहुत अच्छा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मुराल, शायद यही था मैंने, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मुराल डंडा, तो ये वाली वीडियो बनाई थी। तो वो वाली वीडियो मैंने अपलोड की और उस वीडियो को मेरे बड़े बेटे ने देखा और उसने फिर मुझे बताया कि मामा आप ब्लॉगिंग करो, क्योंकि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपकी वॉइस अच्छी है और आप एक अच्छे से एक्सप्लेन करते हो हर चीज़ को, आप प्लीज़ ब्लॉगिंग करो। तो मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं, बस ये जो है मोटिवेशनल जो वीडियो है मैं वो बनाती हूँ। बोलते नहीं मामा, आप में है वो टैलेंट, आप कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और वॉइस भी अच्छी है और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हो आप। तो फिर मुझे भी एक्साइटमेंट हुई और मैंने भी फिर ब्लॉगिंग शुरू कर दी। और मैं छोटे बेटे का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उसने मुझे टेक्निकली काफ़ी सिखाया, काफ़ी सपोर्ट किया। और अपने हस्बैंड का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उनको मेरी वीडियो लेनी पड़ती थी, और फिर बाद में जब उनको पता लगा कि यूट्यूब के बारे में कि क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, तो अब वो नहीं हेजिटेट करते हैं, अब वो ले लेते हैं मेरी वीडियो कहीं पे भी। लेकिन जहाँ गांव में वो कभी भी मेरी वीडियो नहीं लेते हैं पब्लिक के सामने, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते ही हो कि गांव में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में। लेकिन मैं अपने ससुराल वाली जो मेरी फैमिली है, मेरी ससुराल वाली जो महिलाएं हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत सारी वीडियो मैंने उनके साथ मिलके बनाई है और वो मतलब उनमें इतना जो गट्स बोलेंगे आप, हिम्मत बोलेंगे, कि वो फर्स्ट टाइम मैं अगर उनको अपने मोबाइल के कैमरे के सामने खड़ी करूं तो वो एकदम से बता देती है कि ये वो मतलब ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशनल है। तो काफ़ी वीडियो में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और तो बाकी क्या होता है कि जब जब मैंने शुरू में अपने मायके में ब्लॉगिंग शुरू की थी, शुरू की वीडियो में, तो वहाँ का उनका थोड़ा जो रिएक्शन था वो नेगेटिव था। तो फिर मैं सोचती थी कि नहीं नहीं बनाऊँ ये, तो मैं थोड़ी थोड़ी ही बनाती थी क्योंकि जहाँ नेगेटिव रिएक्शन हो, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो वहाँ क्या फ़ायदा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सभी का, और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मैं उनका भी सपोर्ट कर उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि शुरू के जो मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे व्यूवर्स थे, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, मेरी रिलेटिव थी, मेरी फैमिली थी। और फ्रेंड्स, बेशक नींव मैंने रखी थी लेकिन उसको मजबूती मेरे फेसबुक फ्रेंड ने दी और मेरे रिलेटिव्स ने दी, और उसके बाद और आपने तो अभी तक आप मुझे दे रहे हो। तो फ्रेंड्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगी, मतलब कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स बताएं कैसे लगी मेरी आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।